वहीं कानपुर में शुक्रवार अलग अलग गंगा के तीन घाटों पर नहाने के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगभग 10 घंटे के भीतर 3 बड़े हादसे हो गए और गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा में उतरे बच्चे और युवक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आई और अब आज यानी कि शनिवार से गंगा के सभी घाटों पर संबंधित थाने का फोर्स लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों का दर्द भी सामने आया है। गंगा में डूबने से मौत के बाद किसी के परिवार का अंतिम चिराग बुझ गया तो किसी के बुढ़ापे का सहारा चला गया। वहीं बाबा घाट पर डूबे 3 युवकों में 2 की तलाश जारी है। इन तीनों की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं कानपुर के बीच शहर सिविल लाइंस के पास इलाके के बाबा घाट पर शुक्रवार शाम को गंगा में नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए। चीख पुकार सुनकर मौजूद लोगों ने कोतवाली थाने पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उनके कपड़ों को अपने कब्जे में लिया। कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों को गंगा में उतारा तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 1 युवक का शव बरामद हो गया जबकि 2 अन्य लापता हैं। वहीं बिल्लौर के अरौल थाना क्षेत्र के आकिनपुरवा में रहने वाले हरिप्रसाद और फूलचंद सगे भाई हैं। हरिप्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे उनके 2 बच्चे ज्ञान और प्रिया भाई फूलचंद की बेटी एकता घर में बिना बताए आकिन घाट पर नहाने पहुंच गए। सुबह 9:45 बजे नहाने के दौरान तीनों बच्चे गंगा में ज्यादा गहराई में उतर गए। तेज बहाव की चपेट में आने से गंगा में डूब गए। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं शिवराजपुर के सरैया खरेश्वर घाट में भी शुक्रवार दोपहर को वार्ड नंबर 5 शिवराजपुर के रहने वाले आनंद अवस्थी के बेटे श्लोक अवस्थी और सक्षम राघवेंद्र वाजपेयी का बेटा दीप वाजपेयी तीनों गंगा नहाने गए थे। इस दौरान तीनों गंगा में ज्यादा गहराई में उतरने से वो भी डूब गए। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर हर्ष चंद ने बताया कि शुक्रवार की घटना को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में प्रधानों को जानकारी दी गई है। शहर में घाट किनारे मौजूद लोगों को जागरूक किया जाएगा और बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जहां पर नहाने के लिए घाट नहीं बने हैं वहां पर गंगा में नहाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित थाने की पुलिस फोर्स को भी एहतियातन तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।